तीन बार पूछ सकते हैं। रोजगार है पिछले पांच सालों में इस भाजपा की सरकार ने आपको रोजगार दिया, जिसको रोजगार दिया हर यहाँ पे छोटे दुकानदार छोटे बिजनेस वाले कितने हैं हाथ उठाओ। पिछले पांच सालों में आपकी कमाई घटी है कि घटी है, महंगाई बढ़ी है कि घटी है, ऐसे आ जाओ किसान कितने ऐसे बैठ जाओ जाएगा मामला। आप बताइए आपकी समस्याएं बढ़ी है कि घटी है। जो छुट्टा जानवर की समस्या है उसको सुलझाने के लिए किसी ने काम लिया है? आपको खाद समय पे मिलती है? आपको अपनी फसल का दाम मिलता है? बिजली के बिल भरते हो? जब बिजली नहीं आती तब भी बिल भरते हो? मैं समझ रही हूँ कि क्या परिस्थिति है। अब आप समझ रहे हैं कि नहीं ये बात है, क्योंकि सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम ये नहीं होता कि बड़े बड़े विज्ञापन छापे, हजारों करोड़ विज्ञापनों पे खर्चे। सरकार का काम ये नहीं होता है कि आपके झूठ पे झूठ आपको बताए। सरकार का काम ये नहीं होता है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया लेकिन किसानों का मजा कर्जा नहीं माफ करता। किसान का ये नहीं होता है सरकार का काम। देखिए ये सरकार जो है प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की जो सरकार है बातें धार्मिक करते हैं, धर्म की बात पर आपके जज्बातों को उभारते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सरकार पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए चलती है, सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए चल रही है। मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। ये जो किसान के कानून थे जिसके लिए पूरे देश के किसानों ने संघर्ष किया कि ये कानून नहीं लागू होने चाहिए, ये कानून क्या थे? ये कानून ये थे कि जो आपकी कमाई है, आपकी मेहनत, आपका खून पसीना, लेकिन आप नहीं कमाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति कमाएंगे। ये आपकी संपत्ति और ये सौंपा की योजना थी। आप खड़े हुए, आपको नकारा गया, लेकिन देश भर के किसान एक साल के लिए दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े रहे, कोई नहीं आया उनकी सुनवाई करने के लिए। मोदी जी का घर उसके कुछ 10-15 किलोमीटर दूर है, एक बार नहीं एक साल में आए, लेकिन जैसे ही चुनाव आने लगा उनको लगने लगा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी। चुनाव के एक महीने पहले कानून वापस ले लिया, आंसू बहाए, माफी मांगी, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए दिल में क्या था? नियत ठीक थी? नियत ठीक नहीं थी, क्योंकि अगर नियत ठीक होती तो जो 6 किसानों को लखीमपुर खेरी में उनके ही मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के नीचे कुचला, उस मंत्री के साथ आप स्टेज पे खड़े हैं, आप मंच पे खड़े हैं, उसके बेटे को आपने अभी रिहा होने दिया है, उसकी जमानत हो गई है, उस पे FIR नहीं लगा रहे थे जब तक सारी पार्टियां ने आंदोलन नहीं किया। जब वो कुचले गए तो पुलिस नहीं आई उनकी मदद करने के लिए, लेकिन जब हम जैसे विपक्ष के नेता उनके परिवारों से मिलने गए तो पूरी पुलिस तैनात कर दी हमें पकड़ने के लिए, जैसे हम चोर हैं। इनकी नियत साफ नहीं है जी, नियत खोटी है, समझ लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ, विश्वासघात हो रहा है। जो सरकार जिस सरकार ने कहा था कि आपके लिए रोजगार बनाएगी उसने रोजगार घटाए हैं, जिस सरकार ने कहा था कि महंगाई घटेगी उस सरकार ने 200 रुपए का मिट्टी का तेल, सरसों का तेल खरीद रहे हैं आप, उस सरकार ने 1000 रुपए का आपको गैस सिलेंडर मिल रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, बिजली के बिल पर बिल आप भरे जा रहे हैं चाहे बिजली आए ना आए। कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के समय जितने भी लोगों ने हाथ उठा के बताया कि हम छोटे दुकानदार हैं, छोटे बिजनेस है हमारे, आप सब ने अपनी बिजली की बिल भरी, बिल आई लेकिन कमाई नहीं हो रही, वो सुरक्षित हो, उन
कोचिंग हमें फोन आते थे, 23 बच्चों के फोन आए, इकट्ठे सूरत में पड़े थे। हमने उनका फोन नंबर देखा सोशल मीडिया पर, उनको फोन किया, रोने लग गए मेरी आवाज सुन के कि दीदी आपका फोन आ गया, हमें बचाओ, हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कल तक है उसके बाद नहीं होगा, हमें बचाओ किसी भी तरह हमें लाइब्रेरी में पहुंचाओ। सरकार का काम था इस तरह से लॉकडाउन करना गलत था, उनको पहुंचाना चाहिए था, उनको साधन देने चाहिए थे, ट्रेन बस चलानी चाहिए थी, सबका चेक वेक करके उनको ट्रेन से रवाना करते, नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को मदद किया, बहुत बड़ा काम किया, इन्होंने कोरोना फैलाया देश में, बताइए। लोग नंगे पांव चल रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर चल रहे थे, अपने परिवार के सदस्यों को अपने कंधों पर लाद कर चल रहे थे, छोटी छोटी लड़कियां अपने पिता को अपनी साइकिल पर बिठा के ले जा रही थी बिहार तक, और हम मदद नहीं करते, उनको मदद न करना था, हमने किया, क्योंकि ये हमारा धर्म है, क्योंकि आपकी सेवा हमारा धर्म है। ये सरकार सारी नीतियां सिर्फ अपने बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए बनाती है, जो छोटे दुकानदार छोटे बिजनेस है वो जानते हैं, नोटबंदी लाई गई उस समय बताया गया कि ये बहुत बड़ा राष्ट्रवादी काम है, सारा काला धन देश में आएगा, कोई काला धन नहीं आया, कौन पैसा, छोटा दुकानदार वो पैसा, उसका संकट बढ़ा, उसके संकट बढ़े छोटे कारोबारियों के, उसी तरह से जीएसटी लाई गई, जीएसटी की तमाम जितने भी रूल रेगुलेशन है उनको पूरा करने के लिए कितना संकट हुआ आप लोगों को, जीएसटी के बाद लॉकडाउन आया, कोरोना में लॉकडाउन आया, आपकी कमाई बंद हुई, आपकी सारी दुकानें बंद हुई, ये सारी नीतियां आपकी भलाई के लिए थोड़ी बनी, ये तो आपको गुमराह कर रहे हैं, इनको तो मालूम है कि कुछ भी करें लोन माफ कर ले अपने अमीर दोस्तों के, या कर्ज में किसान डूब रहा है, आप किसानों के कर्ज माफ नहीं कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 साल बाद आप वापस आओगे, धर्म की बात करोगे, जाति की बात करोगे, वोट मिल जाएगा, फिर काम क्यों करोगे। सारे भाजपा के नेता ही जान गए कि जो वोट पड़ेगा ध्रुवीकरण के आधार पर रहेगा, नहीं तो आपके मंच पे आके पाकिस्तान की बात क्यों करें, बुलडोजरों की बात क्यों करें, तमाम फिजूल की बातें क्यों करें, रोजगार की बात करो ना, यार तमाम नौजवान खड़े हुए के पास रोजगार नहीं है, की बात करो, किसानों की बात करो, छुट्टे जानवर की बात करो, बिजली के बिल की बात करो, महंगाई की बात करो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करो, महिलाओं पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, सुरक्षित नहीं है, ये बात करो, लेकिन ये बात नहीं करें, क्योंकि आप लोग गुमराह करना चाहते हैं और आप गुमराह हो जाते हो, मत होना, जल्द कर करना, बहुत हो गया है बहनों भाइयों, बहुत हो गया है, ये देश अमीरों का देश नहीं है, इस देश को आजाद गरीबों ने किया है, ये देश गरीबों का है, सब का है, इस देश में ऐसे नहीं चल सकता कि दो बड़े उद्योगपति देश की पूरी संपत्ति खा जाएं, सब उसको उनको बेचा जाए और यहाँ का गरीब सड़क पे हो, इस देश में नहीं चल सकता, इस देश की रीढ़ की हड्डी छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, रोजगार बनाने वाले छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, छोटे छोटे कारोबार बनाते हैं, रोजगार बनाने वाली वो संस्थाएं हैं, DHEL जैसे, रेल कॉन्ट्रैक्टरी जैसे, रेलवे जैसे, जो जनता के लिए बनाई गई थी, ये रोजगार बनाती है। आज क्या हो रहा है, सारी बेची जा रही है, आपके सामने मंच पे आते कहते कांग्रेस ने क्या किया, 70 सालों में कांग्रेस ने बनाया क्या, अरे हमने बनाया नहीं होता तो आप बेचते क्या, कहां से आ रही है ये संस्थाएं जो आप बेच रहे हैं, ये हवाई अड्डे, ये बंदरगाह जो सब बेचे जा रहे हैं, ये देश की संपत्ति है, ये आपकी संपत्ति है, इसे मत दबाओ, समझ लो कि आपके सामने कैसी राजनीति हो रही है, और
समाजवादी दल, बसपा, भाजपा सब एक ही मिसाल पर खेल रहे हैं। आज कौन से समाजवादी दल और भाजपा एक ही मिसाल पर खेल रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं, आपको अलग करके सांप्रदायिकता की बात करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इन बातों से सुन लीजिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। सांप्रदायिकता, धर्म और जाति पे आधारित राजनीति से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों और नेताओं का फायदा होता है, पब्लिक का फायदा नहीं होता। पब्लिक का फायदा कभी नहीं हो सकता। सबके घर परिवार है, सबके परिवार में एक मुखिया है। अगर वो मुखिया भाइयों को लड़ाए, बच्चों को लड़ाए, तो क्या उस परिवार का विकास हो सकता है? क्या होता है? फूट करती है। जैसे ही फूट कारोबार लीजिए, छोटे कारोबार लीजिए, आपकी एक दुकान है, आपके दो बच्चे हैं, आपने दोनों बच्चों को लगा लिया, क्या वो दुकान चला पाएंगे? वो तो जाएंगे उस दुकान को थोड़ा गोर से कर रहे, बोले तो एक सुनो, लड़ाई होगी, कमाई नहीं होगी। तो समझ लीजिए, जितने राजनीतिक दल आपसे ऐसी बातें करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में सरकार में रहे, कुछ भी कर ले। अभी मुझे बताया जा रहा था यहाँ के वक्त कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो घर में जाकर पायल दे रहे हैं महिलाओं को। ये नौबत आ गई है कि प्रत्याशी आकर आपको पायल दे रहा है कि मुझे कुछ दे दो। मैं तो कहती हूँ मेरी बहने पायल लेनी है तो ले लो, वोट मत दो। हम तो एक ही पायल तक करना क्या है। सच्चाई आपके सामने है, आपकी परिस्थितियाँ सुधरी नहीं है। 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, स्मृति ईरानी जी आए, भगवान जाने कितने नेता आए, बड़ी बड़ी बातें करी, विज्ञापनों पे हजारों करोड़ खर्चे, दुनिया भर की मीडिया बोले कि उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है। मोदी जी ने कहा कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने हजार लखपति बनाए हमारी सरकार ने। मैं तो भैया तकरीबन हर जिले में घूमी हूँ, लखपति ढूंढते ढूंढते थक गई। मुझे तो लखपति उनके दोस्त बंबई में दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो मुझे बेरोजगार नौजवान दिखते हैं। परीक्षा देते हैं, कट ऑफ चेंज होता है, परीक्षा देते हैं, नियुक्ति नहीं होती।
एक गैस सिलेंडर, दो गैस सिलेंडर, इतने पैसे, उतने पैसे पहले क्यों नहीं दिए? और ये जो एक गैस सिलेंडर दिया, आपने सोचा कि महिला के प्रति पूरी जिम्मेदारी खत्म, महिला को सिलेंडर कटाओ, महिला का वोट लो, बात खत्म, महिला सुरक्षित है, उसकी सेवा सेहत के लिए कोई सुविधा नहीं है, किसी भी पीएचसी में जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ, उसकी मदद नहीं होती, उसकी शिक्षा के लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो, पैरों पे खड़े करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, एक गैस सिलेंडर पकड़ा लिया, एक राशन का गोला दे दिया और आपको दो लाख कर दिया। ये जो एक राशन का गोला देते हैं ना आपको, ये जो थोड़े थोड़े पैसे आपके खाते में चुनाव के पहले भेजते हैं, ये आपको गुमराह करने के लिए कहते करते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन पर निर्भर रहो, ये चाहते हैं कि आप इंतजार करो उस भोले का, इंतजार करो उन पैसों का। क्यों क्यों? ये देश 70 सालों से आजाद है, खाली पड़े हैं सरकारी रोजगार हजारों लाखों, आपको आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते? आपको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्यों नहीं मजबूत करते? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी उसी भोले का इंतजार करते रहे और पूरा जीवन बीत जाए? कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कमाए, बड़े हो, भविष्य बनाए, अपने परिवार की परवरिश करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाए? समझ लीजिए नियम क्या है। आज कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, हमें महिलाओं के लिए विधान निकाला है, नौजवानों के लिए एक विधान निकाला है और एक उन्नति विधान निकाला है। तीन विधान निकाले हैं, मुझे एक और पार्टी बता दो जिसने आपके सामने इतनी विकास की बात की। हम कह रहे हैं आपको एक गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हम तीन मुफ्त देंगे, लेकिन लेकिन हम महिलाओं को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम हर जिले में महिलाओं के लिए केंद्रीय विद्यालय जैसे पाठशाला बनाएंगे, उनके हुनर को बढ़ाएंगे ताकि वो उन पाठशालाओं से निकल के रोजगार ले पाए। हम कह रहे हैं कि 40% सरकारी रोजगार महिलाओं के लिए देंगे पहले के आरक्षण के तहत। हम कह रहे हैं कि महिलाओं 25% महिला पुलिस में भर्ती होगी ताकि आप पर अत्याचार हो, पुलिस स्टेशन में आपकी सुनवाई होगी। हम कह रहे हैं कि आपकी सेहत के लिए हर ब्लॉक के अस्पताल में महिला डॉक्टर मिलेगी, आपको एक अलग कमरा मिलेगा महिलाओं के लिए। हम नौजवानों के लिए कह रहे हैं भर्ती की प्रक्रिया में घोटाले हैं, भर्ती की प्रक्रिया में माफिया घुसी हुई है, हम कह रहे हैं पारदर्शी बनाएंगे।